सभी साथियों को एक बार फिर नमस्कार। मैं प्रभाकर विक्रम सिंह एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ आपदा प्रबंधन की फर्स्ट एड सीरीज लेकर के। तो आज हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ एम्बुलेंस इन इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें हम बात करेंगे एक पर्सनल व्हीकल वर्सेस एम्बुलेंस, निजी वाहन बनाम एम्बुलेंस, कि अगर किसी भी कैजुअल्टी को फर्स्ट एड देने के बाद आप पर्सनल व्हीकल से ट्रांसपोर्ट करते हो तो आपको उसका क्या खामियाजा, क्या नुकसान भुगतना पड़ सकता है। और कैजुअल्टी को नुकसान तो कैजुअल्टी को ही होगा, जो ट्रांसपोर्ट व्यक्ति कर रहा है उसको सिर्फ पश्चाताप ही हो सकता है, मानसिक तौर पर ही वो परेशान हो सकता है। दूसरा है, अगर आप एम्बुलेंस से किसी भी कैजुअल्टी को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो आपको क्या एडवांटेज, क्या फ़ायदा, उसका लाभ मिल सकता है। तो आइए देखते हैं, किसी भी आपदा या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को प्राथमिक सहायता देने के बाद या उसके दौरान, प्राथमिक सहायता देने के बाद या उसके दौरान, ऐसा भी हो सकता है जैसे आप फर्स्ट एड किसी व्यक्ति को दे रहे हो उसी दौरान एम्बुलेंस भी वहां आकर के खड़ी होगी, पहुंच गई, तो एम्बुलेंस के अंदर भी जो हेल्प की जाती है वो भी फर्स्ट एड में ही काउंट की जाती है। उसके दौरान रोगी या पीड़ित को स्थानांतरित करने के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए, जब हम स्थानांतरित करते हैं, ट्रांसपोर्ट उसको करते हैं, तो बेहतर को स्थानांतरित करने के लिए निजी वाहन की बजाय, पर्सनल व्हीकल की बजाय क्या करते हैं, एम्बुलेंस को प्राथमिकता, प्रायोरिटी एम्बुलेंस को देनी चाहिए। तो अगर आप पर्सनल व्हीकल से किसी कैजुअल्टी को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसका क्या क्या नुकसान, क्या क्या खामियाजा कैजुअल्टी को और आपको भुगतना पड़ सकता है, आइए देखते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहला जो नुकसान होता है वो होता है एक विशेष पहचान। आपकी गाड़ी की, पर्सनल गाड़ी की कोई विशेष पहचान नहीं है। सोसाइटी के अंदर जितना भी आपका विस्तार है, आपके यार दोस्त मित्र प्यारे जितने भी हैं, सिर्फ वो ही आपकी गाड़ी का के एक साइन या आपके कोई विशेष, आपने कोई साइन या स्टिकर लगाया वो पहचान सकते हैं, आपकी गाड़ी का नंबर पहचान सकते हैं। परंतु कोई दूसरा व्यक्ति, अगर आप किसी दूसरे शहर या गाँव में चले जाते हैं तो कोई आपकी गाड़ी को ये देख करके, गाड़ी देख करके ये नहीं बता सकता कि ये फलां व्यक्ति है और इसकी मतलब ये पर्सनैलिटी है, इसका ये व्यक्तित्व है, तो कोई नहीं बता सकता। तो आपकी गाड़ी की कोई विशेष पहचान नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरा, विशेष सुविधाओं का अभाव। आपकी गाड़ी में अगर किसी कैजुअल्टी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगे तो उसमें कोई भी विशेष सुविधाओं का अभाव, मतलब विशेष जो सुविधाएं हैं उनका अभाव होता है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर है या कोई भी दूसरा मतलब दवाइयाँ वगैरह हैं, उनका अभाव होता है। उसके बाद लेटने या बैठने की व्यवस्था, जैसे एम्बुलेंस में एक व्यवस्था होती है एक सिस्टमेटिक तौर से किसी भी कैजुअल्टी को बैठाने की या लेटाने की व्यवस्था होती है, वैसे आपकी गाड़ी में वो व्यवस्था नहीं होती, वो सबके लिए कॉमन होती है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी और पीड़ित व्यक्ति के लिए भी। दूसरा, फिर आगे बढ़ेंगे तो ट्रैफिक लाइट की एक समस्या आएगी। अगर आप किसी मेट्रोपोलिटन या किसी बड़े नगर या महानगर शहर से गुजर रहे हैं, मतलब एक छोर से दूसरे छोर पर जा रहे हैं, तो आपको ट्रैफिक लाइट की समस्या का सामना करना पड़ेगा पर्सनल गाड़ी में, अगर आप कैजुअल्टी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो। उसके बाद शहर से बाहर निकले, एक शहर से किसी दूसरे बड़े शहर में बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए जब आप जाएंगे कैजुअल्टी को लेकर के, तो आपको टोल प्लाजा या टोल नाका, टोल बैरियर, टोल टैक्स, जो भी आप अपनी भाषा में रीजनल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो टोल टैक्स का जो है वो सामना करना पड़ेगा। आपके पास फास्टैग है कि नहीं है, या आप मतलब मैनुअली जो है वहाँ से फीस दे करके वह उसको क्रॉस करते हैं, तो काफ़ी सारा जो समय है वो वेस्ट होता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप एक रीजन से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या दूसरे रीजन में एंट्री कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, और स्थितियां जो है वो असामान्य है, सामान्य स्थितियां नहीं है, कोई आतंकवादी हमला है, लड़ाई झगड़ा है, कोई भी किसी भी टाइप का कोई ऐसा इमरजेंसी जो है वो माहौल बना हुआ है, तो उस दौरान किसी भी पुलिस चेक पोस्ट से आपको जो है वो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, और वहाँ भी आपके जो है 5-7-10 मिनट जो है वो जाया होंगे। उसके आगे बढ़े, उसे आगे चलेंगे तो कोई भी, जैसे आप देख पा रहे होंगे, एक बार वीडियो को पॉज करके पूरा जो है ये मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पर वो देख लेना आप एक बार। तो जैसे उसे आगे बढ़ेंगे तो कोई भी जलसा, जुलूस, रैली, हड़ताल, मेला, चक्का जाम, आंदोलन या कोई भी भारी जन समुदाय किसी भी एक उद्देश्य को लेकर के वहाँ पर एकत्रित हुआ है, खड़ा हुआ है, तो उसका सामना आप कर सकते हैं, उसका सामना करना पड़ सकता है। देखिए, विशेष पहचान है, उसके बाद विशेष सुविधाओं का अभाव है आपकी गाड़ी के अंदर, लेटने या बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं है, ट्रैफिक लाइट का आपको सामना करना पड़ेगा, टोल बैरियर या टोल प्लाजा का आपको सामना करना पड़ेगा, पुलिस चेक पोस्ट का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी भारी जन समुदाय जिसकी हमने बात की है, जैसे जलसा, जुलूस, रैली, हड़ताल, मेला, चक्का जाम या आंदोलन, तो इस स्थिति में क्या होता है
कि कई बार स्थितियां बिगड़ भी जाती है, मतलब भीड़ के सामने आप तुम तड़ाक से बात करते हो तो उस समय जो है स्थितियां बिगड़ भी जाती है। उसके वर्सेस में हम बात करें एम्बुलेंस की, तो आप देखना थोड़ा सा इसका कंपैरिजन करके कि आपको क्या, मैंने एक छोटा सा ग्राफ भी बनाया, अभी मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। तो जैसे विशेष पहचान की अगर हम बात करें तो एम्बुलेंस की एक विशेष पहचान होती है, उसका एक स्पेशली डिज़ाइन उसका जो है वो तैयार किया गया है प्रशासन के द्वारा। कोई भी बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, समाज का कोई भी वर्ग, कोई भी आयु वर्ग का, किसी भी आर्थिक वर्ग का जो है व्यक्ति उसको बता सकता है, देखते कि जो एम्बुलेंस है मेरे गांव में शहर में आई है, तो कोई ना कोई आपात स्थिति किसी भी साथी के साथ घटित हुई होगी या होने वाली है या हो चुकी है, उसको जो है ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। दूसरा है विशेष सुविधाओं का अभाव, जैसे पर्सनल गाड़ी में था वैसे एम्बुलेंस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैंने एक पिछली वीडियो में भी बताया था, जैसे सिंपल एम्बुलेंस है, उसके बाद एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है, बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है, एयर एम्बुलेंस है, बोट एम्बुलेंस है, इस प्रकार से अलग अलग टाइप की एम्बुलेंस होती है। और जो भी आप सूचना पास करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको एम्बुलेंस की सुविधा जो है वो मुहैया करवा दी जाएगी। यहाँ पर हम आपने देखा लेटने या बैठने की व्यवस्था, लेकिन एम्बुलेंस में अगर हम बात करें तो स्ट्रेचर होता है, प्रॉपर तरीके से किसी भी कैजुअल्टी को लेटा करके एम्बुलेंस के अंदर डाल दिया जाता है और उसके बाद ही उसको जो है वहाँ से नीचे उतारा जाता है। व्हील चेयर की व्यवस्था होती है काफ़ी सारी एम्बुलेंस के अंदर। उसके बाद हमने बात की ट्रैफिक लाइट की, ट्रैफिक लाइट का एम्बुलेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए जो भी मतलब अगर कोई ट्रैफिक लाइट रास्ते में आती है तो वो बिना किसी भी हिचकिचाहट के वहाँ से पास हो सकती है। और उसके अलावा देखिए पर्सनल गाड़ी के में जो नुकसान होता है वो नुकसान एम्बुलेंस में नहीं होता। अगर आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो केसेस होते हैं उसमें एक व्यक्ति की जो स्थिति ऐसी है कि उसके पास काफ़ी कम समय है और एम्बुलेंस के लिए प्रशासन क्या करता है, जैसे ऑर्गन का ट्रांसप्लांट जो है वो करना है उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार करते हैं, जितनी भी ट्रैफिक लाइट होती है उनको सबको ग्रीन कर दिया जाता है। और उसके अलावा भी लोग जो है शहर के या गाँव के जो लोग होते हैं एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं प्रॉपर तरीके से। उसके बाद जैसे किसी भी कैजुअल्टी को एयरपोर्ट या किसी दूसरी जगह पर काफ़ी कम समय में पहुंचाना है, आपात कोई स्थिति है, काफ़ी गंभीर सिचुएशन है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो इसे जो मैंने बताया था ये डिसएडवांटेज जो है नुकसान होते हैं पर्सनल गाड़ी के, इसमें क्या होता है कि समय आपका ज़्यादा लगता है और समय ज़्यादा लगने से क्या होता है कैजुअल्टी को ही नुकसान होता है, किसी दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि काफ़ी सारी कैजुअल्टियाँ ऐसी हैं जिनको हम डिले कर सकते हैं। कि जैसे किसी की मान लीजिए कि फ्रैक्चर हुआ है, टांग टूट गई, तो कोई बात नहीं, अगर रास्ता नहीं मिल रहा 2 घंटे तक वो रास्ता नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उसको पेन होगा, पेन के अलावा कोई नहीं होगा, बेहोश हो सकता है बस, इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। उसको हम पेन किलर इंजेक्शन है, दवाइयाँ हैं, वैक्सीन है, कुछ भी हम उसको दे सकते हैं कि उसका दर्द कम हो जाए, उसकी पीड़ा कम हो जाए, लेकिन ज़्यादा नुकसान उसका नहीं बढ़ेगा। अगर हम बात करते हैं किसी भी ऐसी कैजुअल्टी की जिसके रोग को हम डिले नहीं कर सकते, इतनी इमरजेंसी है कि उसको थोड़ा सा मतलब लेट नहीं कर सकते, 10-15-20 मिनट भी लेट नहीं कर सकते, जैसे कैसी कैजुअल्टियाँ होती है वो, जैसे किसी का हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक किसी को आया है, कोई गर्भवती कोई स्त्री है उसके लिए हो सकता है, कोई किसी भी टाइप का मतलब इमरजेंसी जो कैजुअल्टियाँ होती है उनको ज़्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। और जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर तो आपने देखा होगा फिल्मी जो सीन होते हैं उनमें एक जो है वो व्यवस्था बनाई गई होती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कैजुअल्टी को लेकर के अस्पताल जाएगा तो डॉक्टर क्या कहता है, तो डॉक्टर अपना घड़ी देख करके बोलता है कि अगर आप 5 मिनट पहले ले आते तो मैं इसको बचा सकता था, ये इसकी जो हालत ज़्यादा बिगड़ गई है उसको मैं रोक सकता था, उसको जल्दी रिकवर मैं कर सकता था। तो ऐसी व्यवस्था बनती है अगर आप जो है मतलब पर्सनल गाड़ी से लेकर के जाते हैं और एम्बुलेंस से। तो उसके बाद है जैसे टोल प्लाजा की बात करें तो अलग से उसका लेन होता है। पुलिस चेक पोस्ट की बात करें तो कुछ सिचुएशंस को छोड़ करके बाकी सब में जो है पुलिस चेक पोस्ट पर एम्बुलेंस को रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो स्पेशली सिचुएशन क्या होती है, जैसे कई बार ऐसी जो है खबरें आई थी कि एम्बुलेंस के अंदर स्मगलिंग वगैरह का जो काम किसी भी एरिया में किया जाता है तो उसको जो है दुरुस्त करने के लिए, उस कमी को दुरुस्त करने के लिए एम्बुलेंसों के अंदर क्या होता है, जीपीएस सिस्टम भी, आजकल जो आधुनिक एम्बुलेंस है जीपीएस सिस्टम से भी जो उनको ट्रैक किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं जलसा जुलूस रैली हड़ताल मेला चक्का जाम आंदोलन, इस प्रकार का कोई भारी जनसमुदाय खड़ा है और एम्बुलेंस में जो है वो कैजुअल्टी आपके पास है। तो देखिए जो
घटनाएं हो चुकी है उनको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन भविष्य में यदि जो साथी वीडियो देख रहा है और भविष्य में वो किसी भीड़ का हिस्सा बनने जा रहा है या बनेगा, तो कृपया करके आप एम्बुलेंस में जो भी कैजुअल्टी है या एम्बुलेंस जो है वो खाली है कि उसके अंदर कैजुअल्टी है तो उसको प्लीज़ आप रास्ता दें, क्योंकि आज कोई दूसरा व्यक्ति एम्बुलेंस के अंदर है, कल आप भी हो सकते हैं या आपका कोई सगा संबंधी भी हो सकता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि पर्सनल गाड़ी का इस्तेमाल कहाँ तक जायज़ है। देखिए, अगर किसी की हालत ज़्यादा बिगड़ जाती है और उसके बाद एम्बुलेंस को आने में कई बार होता है कि समय लग जाता है, एम्बुलेंस को आने में समय लगेगा, 5 मिनट लगेगी, 10 मिनट लगेगी, और आपके पास गाड़ी है तो उसका इस्तेमाल कहाँ तक जायज़ है, तो ये देख लीजिए। ये छोटा सा मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है। तो जैसे कि आपका गांव यहाँ है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको पहुँचने में 10 मिनट का समय लगेगा, और एम्बुलेंस जो आएगी किसी भी मुख्य शहर से यहाँ से या यहाँ से आपके पास पहुँचने में उसको भी 10 मिनट का समय लगेगा, तो आप किसी भी गांव के रास्ते से या छोटे रास्ते से मुख्य सड़क मार्ग तक ही कैजुअल्टी को लेकर के आ सकती है, यहीं तक ही उचित है। और अगर आप आगे भी उसको जैसे ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये समस्याएं आपके सामने आएगी, जो जैसे मैंने एक ये पिरामिड आपके सामने एक ग्राफ प्रस्तुत किया है। अगर आप पर्सनल गाड़ी से किसी भी कैजुअल्टी को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये सारी समस्याएं तो आपके सामने नहीं आ सकती एकदम से, लेकिन अगर इनमें से 50% भी समस्याएं आपके सामने आ गई तो कैजुअल्टी की मौत होने की संभावना हो सकती है, कैजुअल्टी का जो नुकसान हुआ है उसको उसका जो है और बढ़ने की संभावना हो सकती है। जैसे जैसे हमने पर्सनल गाड़ी का इस्तेमाल किया वैसे वैसे जो है खतरे का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, वो स्पेस ज़्यादा लेता जा रहा है, तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से। तो इसी के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और हर एक व्यक्ति के लिए जो है काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आप सब लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।